नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। देशद्रोहियों के समर्थक राहुल गांधी को गोली मार देना चाहिए, कहा भाजपा विधायक ने। राजस्थान से भाजपा के एक विधायक कैलाश चौधरी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को गद्दार करार देते हुए कहा कि उन्हें फांसी पर लटकाकर गोली मार दी जाए। विधायक ने कहा कि जेएनयू में देश विरोधी हरकतें करने वालों का समर्थन करके कांग्रेस ने देश के खिलाफ काम किया है। बाड़मेर के बायतू विधानसभा सीट के भाजपा विधायक ने राहुल गांधी से माफी मांगने और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की भी मांग की। विधानसभा क्षेत्र में किसानों की एक जनसभा में विधायक ने कहा कि कुछ लोगों ने अफजल गुरु की तारीफ करते हुए उसके समर्थन में नारे लगाए और भारत को तोड़ने और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, और अगर कांग्रेस के राजकुमार कहे जाने वाले राहुल गांधी उनके समर्थन में खड़े होते हैं तो ये देशद्रोह है। विधायक के इस भाषण का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। विधायक से जब इस संबंध में मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा, हाँ मैंने ऐसा कहा है, भारत माता की ओर उंगली उठाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौदह दिन के लिए तिहाड़ पहुंचा कन्हैया, अफजल गुरु वाले सेल में रहेगा। जेएनयू एसयू के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को तिहाड़ जेल ले जाया गया, जहां उसे अलग प्रकोष्ठ में रखा गया। अधिकारियों द्वारा जेल परिसर के अंदर उच्च सुरक्षा अलर्ट जारी कर सीसीटीवी कैमरे से 24 घंटे नजर रखी जाएगी। कन्हैया को रात के करीब 8 बजे तिहाड़ लाया गया, जहां उन्हें जेल संख्या 3 के वार्ड नंबर 4 में रखा गया है। उल्लेखनीय है कि अफजल गुरु को भी यही रखा गया था। तमिलनाडु विशेष पुलिस के दो कर्मियों को उस पर हमेशा नजर रखने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया गया है। जेएनयू में एक कार्यक्रम के सिलसिले में देशद्रोह के आरोपों के मामले का सामना कर रहे जेएनयू एसयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली पुलिस ने 12 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उसे कल की पेशी के बाद 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेजा गया। तुर्की ब्लास्ट में 28 की मौत, 61 घायल। तुर्की की राजधानी अंकारा के बीचों बीच बुधवार को सेना को निशाना बनाकर किए गए बम विस्फोट में कम से कम 28 लोग मारे गए और 61 अन्य घायल हो गए। हमले की इस घटना के लिए इस्लामिक जिहादियों के साथ ही कुर्दिश विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। गौरतलब है कि तुर्की पर आए दिन हमले बढ़ते जा रहे हैं। तुर्की सेना ने बताया कि हमला अंतर्राष्ट्रीय समय अनुसार शाम 4:31 पर हुआ और इसमें जवानों को लेकर जा रहे सेना के वाहनों के काफिले को निशाना बनाया गया। प्रधानमंत्री अहमद दोवुतोगोलू ने इस घटना की जानकारी मिलने के बाद अपनी ब्रसल्स यात्रा रद्द कर दी है।